तो कैसे हो यार, अर्ज किया है। लाख को कहते हैं पेटी और करोड़ को कहते हैं खोखा। लाख को कहते हैं पेटी और करोड़ को कहते हैं खोखा। पहले रिलेशनशिप में कटती थी, अब तो शादी के बाद भी मिल रहा है धोखा। जैसे कि यार आप लोग समझ ही गए होंगे, अब सुनाने को कुछ नहीं बचा है। निकल लेने से झाड़ू मारेंगे। तो यार आज का बकचोदी स्टार्ट करते हैं यहीं से। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए। लोग पहले जब तलाक मांगते थे तो बड़े और बुजुर्ग के पास जाते थे, अब तो तलाक मांगते हैं प्यार से, वो भी प्रेम से। देखिए तलाक कोई प्रेम से देने वाला चीज नहीं है। भाई साहब आपने तो प्यार से प्रेम से पढ़ा लिखा कर इस डीएम के पद तक पहुंचा दिया, आपको बदले में क्या मिला? धोखा। भैया उसका जिंदगी आप भी बर्बाद कर दीजिए सस्पेंड करवा के, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। अब आप इससे ज्यादा बर्बाद क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं बर्बाद? अब तो बर्बाद ही बर्बाद हो गए ना। भाई साहब मेरा एक सलाह लीजिए मुक्त का, आप ऐसा कुछ कारनामा करके दिखा दीजिए ताकि प्यार, अरे यार प्यार कहाँ से, आप ऐसा कुछ कारनामा करके दिखा दीजिए कि गाना चले ठुकरा के मेरा प्यार, अब तू इंतकाम मेरी देखेगी। भाई करिए, हम आपके साथ हैं। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। देखिए सर अगर आपको ऐसा धमकी मिला है बर्खास्त का और जीने नहीं दूंगी का, तो मेरे तरफ से एक ही राय है कि आप उसका जिंदगी बर्बाद कर दीजिए, चारों तरफ से धुआं धुआं कर दीजिए, सस्पेंड करवा के डालिए या भी चढ़ा चुड़ा के डालिए, दरखास्त डालिए। भाई अगर ऐसे रह गया तो मादर कसम 99 कह रहा हूँ कि 99 100 से 99 गारंटी ले रहा हूँ, कोई अपनी बीवियों का पढ़ाएगा नहीं यार। अखंड जवान आ गया बहन चुदवा, उम्मीद नहीं थी। किसी ने खूब कहा है कि जो लड़की जात होती है उनके पास अक्कल नहीं होता बहन चुद, खाली होता है खोपड़ी। और जिसके पास इतना लंबा लंबा नागिन की तरह बाल होगा उसके पास खोपड़िया कहाँ से होगा बहन चुद। सब खोपड़िया झोपड़िया में चल जाएगा तेल लेने के लिए। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, आपको पढ़ाया एंड आपको इस उस पे पहुंचाया, तो आपको ऑब्वियसली उनके साथ रहना चाहिए था, आपको उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, और मेरी नजरों में ये गलत है। इस लड़की का बात मेरे दिल को और मन को भाया, सबने कुत्ते काट को खाया। लेकिन भाई लेकिन इसके पास अक्कल है, 100 में से 99% इसके पास अक्कल है, इसके नजर में गलत है। सही बात है, सबके नजर में गलत होना चाहिए, मेरे भी नजर में गलत है, किसी के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। बहन जो अगर किसी से लव हो जाता है कुंवारे में, या अपना कास्ट ना हो या दूसरा कास्ट हो, ठीक ना, होने के बाद शादी नहीं हो जाता है, डी एंड हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, बहन जो भड़वागिरी हो जाता है, लेकिन शादी के बाद ये इंसाफ, बहन जो शादी नाम से मेरे को तो खौफ लगता है बहन जो, सपने में और जागते सोते बैठने हगने मुतने तक पूरा खौफ ही खौफ पता चलता है बहन जो। दुनिया में सब कुछ कर लेना बहन जो, शादी मत करना, नहीं तो ये भी हो सकता है। हाँ कि पति ने जो किया वो भी गलत है, क्योंकि उसने अपनी प्राइवेट लाइफ पूरे पब्लिक के सामने ला कर रख दी। उसने क्या गलत कर दिया? ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और मैं नहीं जानता, जो भी किया बहुत अच्छा किया। उस लड़की की इमेज पूरी तार तार हो गई है। अच्छा इमेज भी तार तार होता है, उसका इमेज क्या, लड़का है उसके पास दिल नहीं है, वो नहीं रो सकता। क्यों नहीं रो सकता? उसके पास इमेज नहीं है, है? क्यों सुलेमानी कीड़ी काटती थी पीछे से, क्यों काटती थी? ठीक किया, बहुत अच्छा किया। इमेज क्या, पूरा जिंदगी बर्बाद कर दो। धोखा अगर कोई दे तो आग लगा दो बहचो डीजल डाल के। हाँ तो इस पर आप क्या क्या? ये चीजें गलत हैं, ये नहीं करना चाहिए था उसको, शायद उसने अग्रेशन में ये सब किया, ये चीज गलत। ये चीज गलत है, नहीं करना चाहिए था, तब क्या तब बताइए था। आई बहन चोद भूल गया कावा की तरह क्यों बोल रहा हूँ, लड़का हूँ बहन चोद, बाज पंछी बनू, उड़ती फिरू मस्त गगन में। अरे सुधर जाओ नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी भी। ज्योति की इमेज इतनी तार तार हुई है पब्लिक में, उस लड़के के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि वो भी तो अपनी पत्नी को डिच कर रहा था। अच्छा वाह, क्लैपिंग होना चाहिए,
गांड भी लो और गांड का सीधा भी लो। खोपड़ी तोड़ साले। कैसे काम चलेगा जी? हाँ, ज्योति नाम था ना, तो एक दिन ज्योति को बुझना ही पड़ता है। लड़कियां हैं मैम, उनपे तो सारा दोष ऐसे ही आना है। आजकल की जो सोसाइटी है, कुछ भी हो लड़की की दोष, लड़की का ही दोनों की गलती होती है, पर सबसे ज्यादा लड़की हाईलाइट होती है। अच्छा, बिना अक्कल के छिपकलियों, एक चीज मैं बताता हूँ तुमको। अगर दिल्ली में जाओ या लखनऊ में जाओ, बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो बचा लेते हैं कैसे भी करके, पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन लिखा होता है बड़े बड़े मोटे मोटे हाईलाइट इतना जबरदस्त अक्षरों में कि बेटी है तो कल है। बोर्ड पे देख के अच्छा लगेगा, आ बेटी है तो कल है, हम है तो कल है। अगर जब ऐसे तरीके से लिखा रहेगा तो बहन जो हाईलाइट कौन होएगा, लड़का होएगा। बेटी है तो कल है, बेटा है बहन जो तो जहन्नम है। तो यार आज का बकचोदी पर खत्म करते, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।